दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में शहीद डीएसपी कुमायूं मुजम्मिल भट्ट का वडगाम में अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग कर्नल, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी समेत तीन अफसर अनंतनाग मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। बता दें कि जम्मू कश्मीर के कोकेरनाग का जंगल इतना घना है कि हाथ को हाथ न सूझे। जंगल के चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां और ये पहाड़ भी घने पेड़ का चादर की तरह लिपटा हुआ है, यानी चारों ओर इतना दुर्गम इलाका है कि किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना बेहद मुश्किल है। इसी जगह पर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में देश के चार अफसर शहीद हो गए। हिंदुस्तान अपने तीन सपूतों को खोने की खबर सुनकर सन्न रह गया। ये जाबाज देश के दुश्मनों से लोहा लेने के लिए मोर्चा संभाले हुए थे। बता दें कि 12 सितंबर की सुबह सुबह का वक्त था जब कश्मीर सो रहा था, तभी खुफिया एजेंसी के कानों तक एक मुखबिर के जरिए खबर पहुंचाई गई। वो मुखबिर जो पुलिस के लिए नहीं बल्कि आतंकियों के लिए काम कर रहा था, वो मुखबिर की शक्ल में डबल एजेंट था। उस मुखबिर ने जम्मू कश्मीर पुलिस तक खबर पहुंचाई कि कोकेरनाग के जंगल में एकदम सटीक लोकेशन पर आतंकवादी संगठन लश्कर के दो दहशतगर्द छिपे हुए। ये खबर जैसे ही 19 साल के जाबाज ऑफिसर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी कुमायूं भट्ट तक पहुंची, वो एक्शन में आ गए। एसओपी यानी नियमों के मुताबिक डीएसपी कुमायूं भट्ट ने 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह को तुरंत एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च करने की बात कही ताकि आतंकवादी अपना ठिकाना न बदल ले। कर्नल मनप्रीत सिंह ने मेजर आशीष से बात की और फौरन जवानों की एक टुकड़ी के साथ ऑपरेशन पर साथ चलने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना दोनों की टुकड़ियां मुखबिर की दी गई हुई उस लोकेशन पर पहुंची, वो लोकेशन जो अनंतनाग जिले के इसी कोकरनाग जंगल में थी। ये ऑपरेशन मुश्किल काफी था। यहाँ मक्के के खेत हैं, सेब के बगीचे हैं, पहाड़ी पर घने जंगल हैं। इन्हीं जंगलों के बीच में ऑपरेशन चला। अफसरों को लगा कि मुखबिर की खबर पक्की है। बता दें कि गोली लगने के बाद तीनों अफसर गिर गए, लेकिन आतंकवादियों पर फायरिंग करते रहे। आतंकवादी पहले ही सुरक्षित जगह पर मौजूद थे और सैकड़ों में पहाड़ी के ऊपर से भाग निकले। कर्नल और मेजर इस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद पहाड़ी की एक छोटी खाई में गिर गए थे, जबकि डीएसपी हाइड आउट के बगल में ही गिर गए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।